नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेलर की जिसने दोस्तों बवाल मचा कर रख दिया, एक तरह से भौकाल मच गया है YouTube के ऊपर, क्योंकि दोस्तों मिर्जापुर सीजन 2 का जो ट्रेलर है वो फाइनली आज रिलीज कर दिया गया है। इस ट्रेलर के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे चैनल भोजपुरी नाव को, अगर आपका हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों सीजन 1 में जिस तरह से हमें दिखाया गया था किस तरह मुन्ना भैया ने बबलू और स्वीटी, जो कि गुड्डू भैया के भाई थे बबलू और उनकी बीवी थी स्वीटी, तो उनका उन्होंने मर्डर कर दिया था। लास्ट में जो सीन था, आइकॉनिक सीन था, जहां पर वो चाचा को भी बोलते हैं कि वो चाचा करके एक उनका डायलॉग भी है जो बहुत फेमस हुआ था। तो मुन्ना भैया ने जिस तरह से बबलू और स्वीटी को मार दिया था, तो उसके बाद गुड्डू पंडित के अंदर वो आग लगी हुई है कि किस तरह से वो मुन्ना भैया से अपना जो बदला है वो पूरा ले, और वो बदला सिर्फ वो मार कर ही लेंगे। इस सीजन 2 के ट्रेलर को देखकर हमें ये पता चल गया है दोस्तों। और इस सीजन 2 में बहुत सारे दोस्तों ऐसे किरदार निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि ये सीजन 2 सिर्फ सीजन 2 तक ही सीमित नहीं रहेगा मिर्ज़ापुर का, शायद सीजन 3 भी आएगा। हमें तो अभी से ही लग रहा है क्योंकि इतने सारे किरदारों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है इस सीजन 2 में। और जिस तरह से दोस्तों पंकज त्रिपाठी, अली फैजल और बहुत सारे जितने भी कलाकार हैं, सारों ने इनमें कितना एफर्ट डाला है इस सीजन में, वो साफ तौर पर दिख रहा है। इस सीजन 2 में दोस्तों वहीं से शुरुआत होगी जहां से खत्म हुई थी सीजन 1, जहां पर हमें दिखाया गया था किस तरह से मुन्ना भैया ने बबलू और स्वीटी को मार दिया था, उसके बाद किस तरह से हालात बदल चुके हैं, रिएक्शन उसका क्या है लोगों पर, क्या असर पड़ा है बबलू और स्वीटी की मौत पर, और जिस तरह से मुन्ना भैया का एक अलग कैरेक्टर सीजन 1 में निकल कर सामने आया था, जहां पर वो बहुत ही ज़्यादा रोग हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा लोगों को मारने पीटने लगे थे, खुलेआम एकदम गैंगस्टर टाइप का अपना उन्होंने पूरा तरह से रूप धारण कर लिया था, उसके बाद उनका इस सीजन 2 में क्या बर्ताव रहेगा। क्योंकि दोस्तों इस ट्रेलर को देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि जिस तरह के ढीठ अंदाज के वो मिर्ज़ापुर 1 में थे, जिस तरह से सीजन 1 में उनका हमें एक ढीठ अंदाज मिला था, मिर्ज़ापुर सीजन 2 में उनका वो ढीठ अंदाज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो बात बात पर अब शायद गोली चलाते हैं बस, वो बोलते अब कुछ नहीं है, सीधे उनकी बोलती है तो गोली बोलती है और उनका बंदूक बोलता है। और इन्हीं सब के बीच दोस्तों पूरा ये ट्रेलर जो आप देखेंगे जाकर Amazon Prime के YouTube चैनल पर रिलीज़ हो गया है। ज़रूर जाएं इस ट्रेलर को देखें क्योंकि धांसू ट्रेलर है, भौकाल तो मचा कर रखा ही है। हमें लगता है ये ट्रेंडिंग पेज पर भी बहुत ही जल्द आपको दिखने वाला है, और अभी इसे आए हुए कुछ ही घंटे ही हुए हैं दोस्तों, और बहुत धड़ाधड़ इस पर व्यूज़ मिल रहे हैं, और जल्द ही दोस्तों ये आपको YouTube के ट्रेंडिंग पेज पर भी दिख जाएगा। और जिस तरह से दोस्तों इस पूरे सीज़न 2 को बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा हमें एक्शन दिखने वाला है। और यहाँ पर इस ट्रेलर को देखने के बाद हमें ये लगा कि पंकज त्रिपाठी का रोल क्या होने वाला है, वो भी अभी तक इस ट्रेलर में बहुत ही खुलकर नहीं दिखाया गया है। तो पंकज त्रिपाठी जिन पर सबकी नज़र होने वाली है दोस्तों, तो वो इस सीज़न 2 के ट्रेलर में क्या कमाल दिखाते हैं, किस तरह की एक्टिंग वो करते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, पर इस ट्रेलर में दोस्तों उनका उतना कैरेक्टर को डिफाइन नहीं किया गया। शायद जब सीरीज आएगी तब देखना होगा। और 23 अक्टूबर को दोस्तों आपको बता दें कि ये सीरीज आने वाली है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। बहरहाल दोस्तों इस पूरी खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आपका क्या रिएक्शन है इस ट्रेलर को, अगर आपने देख लिया तो आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में वो भी लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल भोजपुरी नाव को, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। नमस्कार।